नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं इतने नंबर। तो दोस्तों, जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ था जो यूपी पुलिस का, 4 डेटों में यहाँ पर एग्ज़ाम संपन्न कराया गया था। उन डेटों में अलग अलग पेपर लेवल के हिसाब से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में अलग अलग नंबर बढ़ रहे हैं। तो क्या दोस्तों इतने नंबर भी बढ़ सकते हैं कि किसी के यहाँ पर 35 हो जाए, किसी के 30 बढ़ जाए, किसी के 25 या किसी के 20 नंबर बढ़ जाए? क्या इतना होना संभव है? तो दोस्तों, यह बिल्कुल निश्चित नहीं है। यह कन्फर्मेशन के साथ कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे नंबर कितने बढ़े हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मलाइजेशन के नंबर है, यह दोस्तों जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप नहीं कह सकते कि आपके कितने नंबर बढ़े हैं। दोस्तों, रिजल्ट वो नहीं, रिजल्ट वो कहलाएगा जो आपके नंबर शो होंगे। दोस्तों, जो अभी रिजल्ट आता है उसमें ओनली क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई ही शो होता है, उसमें आपके नंबर या मार्क्स शो नहीं होते। इसलिए यह डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आपके नंबर आखिर बड़े कितने हैं नॉर्मलाइजेशन के कारण, ठीक है। दोस्तों, कोई बोल रहा था यहाँ पर कि 18 की शिफ्ट में यहाँ पर 35 नंबर तक बढ़ गए हैं, और यहाँ के 19 तारीख को यहाँ पर 30 और 25 नंबर भी यहाँ पर बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, वह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, तो वह कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारे नंबर इतने बड़े और उतने बड़े। दोस्तों, नंबर इतने नहीं बढ़ सकते, कम से यहाँ पर अधिक से अधिक दोस्तों 20 नंबर तक यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 20-22 नंबर बढ़ना स्वाभाविक है कि हाँ 20-22 नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि कोई बोले कि हमारे यहाँ 35 नंबर तक बढ़ गए हैं, तो दोस्तों यह नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी नॉर्मलाइजेशन ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें यहाँ पर 35 नंबर तक बढ़ गए। तो दोस्तों, यह यदि बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ होता, लगभग 10-15 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ होता, तो उसमें मान सकते थे कि 35 नंबर बढ़ गए। जैसे कि जो अभी ALP का रिजल्ट हुआ दोस्तों, उसमें कम से कम 10 से 15 शिफ्टों में यहाँ पर पेपर हुआ था, इसलिए उसके अधिकतर नंबर यहाँ पर रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर उन लोगों ने नंबर बढ़ाए थे। दोस्तों, यूपी प्लस का जो है ओनली इसमें 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो इसलिए इसमें 35 नंबर तक नहीं बढ़ सकते, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो नंबर बढ़ता है दोस्तों, यह शिफ्टों के हिसाब से ही बढ़ते हैं, यानी कि अधिक शिफ्टें होंगी तो ज़्यादा नंबर बढ़ने की संभावना होती है, और कम शिफ्ट होती हैं तो उसमें कम नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। यानी इस यूपी पुलिस में जो 4 शिफ्टें हुई थी या 4 डेटों पर एग्ज़ाम हुआ था, तो इनमें दोस्तों इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जो रेलवे में एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसमें नंबर बढ़ चुके थे, 40 नंबर तक बढ़े थे। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि रेलवे और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि रेलवे में यहाँ पर कम से कम 15 डेटों पर एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें केवल 4 डेटों पर ही एग्ज़ाम हुआ था। तो अब है दोस्तों, आपका जो भी यहाँ पर भ्रम है तो भाई सब निकाल दीजिए कि आपके 35 नंबर भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अधिकतर यहाँ पर नंबर बढ़ने वाले हैं तो भाई 20 या 22 नंबर अधिक से अधिक यहाँ पर बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले, ठीक है। तो दोस्तों, यह वीडियो अब यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।